नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल भंडारी। मैं ललित सिंह भंडारी। तो हम आपका कर रहे थे प्रीवियस ईयर का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जिसमें से हम पार्ट सेकंड सॉल्व कर रहे थे भौतिक एवं रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे जो कि आपके आने वाले 2023 पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न पर आधारित आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। तो हम आपका 82 शायद 83 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। मैंने आपको हिंट दिया था कि किस टाइप से आपको सॉल्व करना है 83 क्वेश्चन नंबर। इसमें दिया था आपका 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल शीशे के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो हिंट तो दिया था मैंने आपको कैसे सॉल्व होगा। इसमें फॉर्मूला लगना था आपका 1/f = 1/v + 1/u। तो आपको क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, इसकी फोकस दूरी दी है, f = कितना दिया है -50 सेंटीमीटर, और आपको इसमें दिया गया है अवतल शीशे से सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी u। क्या होगी वस्तु की दूरी आपका u होगी। ठीक है, तो u भी कितनी दी है आपको -25, क्योंकि ये अवतल दर्पण है ना, तो इसमें माइनस की लेंगे। ठीक है, तो आपको वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति होगी, तो यानी कि क्या ज्ञात करना है आपको, v निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता के गया था क्या होता है, 1/f = होता है आपका इसका फॉर्मूला 1/u + 1/v। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में क्या रखें आप वैल्यू पुट करें, f की वैल्यू क्या है 1/-50 = क्या होगा आपका 1/u। u कितना है -25 है ना आपका u, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 1/v की वैल्यू निकालनी है। अब इसको इधर ले जाएंगे इस तरफ राइट हैंड साइड, यानी कि इसे कर लेते हैं 1/v, इस तरीके से लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, 1/25 को ले गया माइनस का, उस तरफ ले आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1/25 आपका प्लस, यानी कि यहाँ माइनस रहेगा, माइनस का 1/50 है ना f। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपका, यहाँ पे 50 LCM आएगा, सॉल्व करके हो जाएगा 2-1। ठीक है, सॉल्व करना चाहता हूँ आपको, तो यहाँ से देखिए सॉल्व करके हो जाएगा, ये होगा 1/50। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ गई, इसे पलट देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, हम ऊपर देखिए क्या लिखा 50 आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी प्लस का आ रहा तो इसका मतलब क्या होगा, 50 सेंटीमीटर दूर बनेगी प्रतिबिंब की स्थिति होगी। ठीक है, और कहाँ, शीशे के पीछे, क्यों, क्योंकि ये प्लस का आया, माइनस का था तो शीशे के आगे बनती। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा किस तरीके सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्या क्या मान दिया हुआ है हमारा, फोकस दूरी की वैल्यू दी है और यू की, यानी कि वस्तु की दूरी दी गई है, तो हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, कहाँ होगी, शीशे के आगे पीछे, प्लस का आया तो पीछे, अब क्योंकि अवतल दर्पण है। ठीक है, माइनस का आता तो आगे ही होती इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपका, देखिए 84, इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है एम्पियर का नियम, बी में फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम, और आपका सी में दिया है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम, और डी दिया है मैक्सवेल का क्रॉकस्क्रू नियम। ठीक है, मैक्सवेल का क्रॉकस्क्रू नियम तो ये तो क्या बताता है, पॉलिटिक करंट की। ठीक, अब एम्पियर का नियम, ये भी करंट, अब फ्लेमिंग का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में से ये नियम पता होने चाहिए हमें, नियम तो सारे ही पता होने चाहिए। मैं बताता हूँ आपको पहले आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, तो माना ये अंगूठा है आपका, ठीक है, हाथ का, ठीक है, ये उसके पास वाली उंगली, और ये बीच मिडिल फिंगर। ठीक है, तो ये आपस में क्या होना चाहिए, आपका लंबवत होनी चाहिए, तीनों दिख रही होंगी आपको 90 एंगल पे, तीनों ये भी और ये भी। तो थंब किसकी डायरेक्शन बताता है, ये है थंब आपका, ये डायरेक्शन बताएगा आपकी किसकी, फोर्स की। ठीक है, ये राइट हैंड रूल है नियम उसका, फ्लेमिंग का, ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, और ये बताएगा अंगूठे के पास वाली उंगली आपकी क्या बताएगी, ये बताएगी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन। ठीक है, और मिडिल फिंगर जो होती है ये वाली आपका, ये बताती है ईएमएफ की डायरेक्शन, यानी कि वैद्युत वाहक की बल की दिशा। तो देखिए, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल क्या बताता है आपका, वैद्युत वाहक बल की दिशा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हिसाब से, बी। अब मैं आपको सी वाला ऑप्शन बताता हूँ, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड के नियम में क्या, ये तो फोर्स और मैग्नेटिक फ्लक्स और आपका ईएमएफ बता रहा, तो लेफ्ट हैंड में क्या होता है, वो भी फोर्स और मोशन ही बताता है। ठीक है, अगर मैं आपका लेफ्ट हैंड बना देता है इस तरीके से, तो वो भी अंगूठा क्या बताता है, फोर्स और मोशन, बीच वाली उंगली जो हो गई पास वाली उसके अंगूठे की, वो बताती है मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये ईएमएफ की जगह बताता है आपका आई, यानी करंट की डायरेक्शन। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड में फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स और ईएमएफ, और लेफ्ट हैंड में क्या बताता है आपका, मोशन या फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन, फिर बताती है तीसरी वाली फिंगर आपका करंट, ये लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है,
चलते क्वेश्चन नंबर 85 पे। ये कह रहा है कांच का अपवर्तनांक यानी कि एन डी आई 3/2 है, तो कांच हवा की सतह के लिए क्रांतिक कोण होगा। अब इसका फॉर्मूला आना चाहिए, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा आपका। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है आपका, ये होता है आपका क्रांतिक एंगल बराबर क्या होता है एन। तो ये वैल्यू एन की दी है, यहाँ पे पुट करो एन की वैल्यू क्या हो गई 3/2। तो ये इधर जाके क्या होगा आपका 2/3। अब 2/3 की वैल्यू है तो दी होगी, ये दी है देखो sin 42। तो साइन सी किसके इक्वल हो जाएगा आपका sin 42 के, ठीक है। साइन से साइन कट गया तो सी की वैल्यू क्या आ गई 42 डिग्री। सी क्या है क्रांतिक एंगल यानी कि कोण, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका वैल्यू हो जाएगा 42 डिग्री। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए फॉर्मूला अगर क्वेश्चन करना है। अब पूछ रहा है फलों को पकाने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, तो ये की जाती है आपका एथिलीन। फलों को पकाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एथिलीन C2H2, ठीक है। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं इसका C2H2 एथिलीन, ध्यान रखना, ठीक है। अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनता है। अब अमोनिया क्या होती है NH3, ये गंधयुक्त गैस होती है रंगीन, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसे सूंघने से क्या होता है आँख में आंसू आते हैं। तो मैं क्या कर रहा था आपका, इन्हें कहा NH3 को अगर पानी में घोला जाए, ठीक है, तो मैं NH3 प्लस क्या करूँगा वाटर H2। अब देखिए क्या बनेगा ये रिएक्शन, ओके ये बनेगा आपका NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड। कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा प्राप्त होगा, ये होगा NH4OH, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब पूछा 88 पे सोफेनिकेशन की एक प्रक्रिया है, तो ये है आपका साबुन बनाने की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है आपका साबुनीकरण की अभिक्रिया होती है, उच्च वसी पदार्थों का क्षार के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है हमें, साबुन प्राप्त होता है, ठीक है। इसका इक्वेशन बहुत बड़ा है, लिख देते हैं हमें यहाँ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं आपका 89 पे कह रहा है आपका CH3CH2COOH। अब इसका IUPAC नेम बताना है। सबसे पहले देखो COOH का IUPAC नेम क्या होता है, ओइक एसिड, ठीक है। ये तो हमें ऐसी पता चल गया ऑप्शन में, तो ये तो प्रोपोनाइक अम्ल बन रहा है ना एसिड। वैसे देखिए इसमें क्या है, तीन कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो ये प्रोपोनाइक अम्ल हो जाएगा वैसे भी, ठीक है। तो ये आप IUPAC नेम हो जाएगा आपका, IUPAC नेम क्या हो जाएगा आपका, प्रोपोनाइक अम्ल, क्योंकि तीन कार्बन है इसे प्रोपेन कहेंगे, ठीक है। अब ओइक क्या होता है COOH अम्ल, तो प्रोपोनाइक अम्ल। बेयर अभिमर का सूत्र बताइए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1% KMnO4 के क्षारीय विलयन को हम क्या कहते हैं, बायर अभिकर्मक। KMnO4 के 1% क्षारीय विलयन को कहते हैं बायर अभिकर्मक, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं, एल्केन का सूत्र दिया हुआ है, मैं यौगिक एन यानी कि चौथा सदस्य बता दें, N=4 रख दो इस फॉर्मूले में CN वाले में, तो ये क्या हो जाएगा C4H2N यानी कि H2N यानी कि 8+2, ये क्या हो गया C4H10, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका ब्यूटेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एल्कोहल श्रेणी का क्रियात्मक समूह है, ये कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड OH से देखा होगा आपने जुड़ा हुआ C2H5OH करके, ठीक है। OH लगा होता है एल्कोहल में हमेशा, ठीक। COOH क्या होता है आपका, एक एसिड होता है। अब ये बताना है इसमें अभिक्रिया CH3COOH, ठीक है, +2H फिर दिया है आपको LiA ईथर दिया है, तो इसके साथ रिएक्शन करने पर ये देगी, ये देखो रिएक्शन करने पर पता क्या होता है, ये 2H है, एक H जाएगा आपका इसके साथ और एक H जाएगा आपका इसके साथ, तो ये क्या बनेगा आपका, तो ये बनता है आपका ये देखिए CH3C, ठीक है, HO बन जाएगा। मैंने कहा था ना एक तो इसके साथ जाएगा H और एक इसके, ये निकल जाएगा क्या यहाँ से पानी H2O, तो CH3CHO कहीं दिख रहा है आपको इस ऑप्शन में, देखिए CH3CHO दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है C2H3OH, इसे हम कैसे लिख सकते हैं C2H3OH भी लिख सकते हैं ना C2H3OH, तो कुछ दिख रहा है यहाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये अभिक्रिया ऐसे हो जाएगी, तो दो आपका हाइड्रोजन है जो एक तो पानी बनाएगा, एक बना देगा CH3CHO, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यूरेनियम सदस्य है, ये कौन सी श्रेणी का सदस्य है, संक्रमण श्रेणी, एक्टिनाइट श्रेणी, ऑप्शन में देखेंगे सेकंड आवर्त का और आपका सिक्स्थ आवर्त का, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, एक्टिनाइट श्रेणी का क्या होता है आपका
सदस्य होता यूरेनियम। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा, यानी कि 2 8 आपका क्या दिया है 2, ये तो m है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, 2 single electron आपका त्याग देगा, यानी कि 2 1 2 त्यागता, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी आपकी धातु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है आपका। तो ये कौन सा है, ये है धातु, ऐसे पहचानते हैं, ठीक है। अगर त्याग रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो क्या होगा, धातु। अब 96 में कह रहा है एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध है लिथियम से, बेरियम से, बोरॉन से या सिलिकन से, तो आपको पता होना चाहिए आपका विकर्ण संबंध क्या होता है। तो हमने देखा, देखिए आपका आवर्त, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनमें क्या संबंध होता है, देखिए ग्रुप सेकंड और थ्री वाले में। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ये है आपका लिथियम, लिथियम के बाद आता है बेरियम, बोरॉन, सी, फिर आपका एन, फिर आपका एन ए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर आपका सिलिकन, फिर आपका हो गया ये फास्फोरस, ये हैं, ठीक है, आवर्त इनके, और ये हो गए ग्रुप, ये ग्रुप सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये क्या हो गया आपका, आवर्त कौन कौन से हो गए, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये फर्स्ट ए है, ये सेकंड ए, ये थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, ठीक है। तो इनका विकर्ण संबंध क्या हुआ, लिथियम का मैग्नीशियम से ऐसे होता है विकर्ण संबंध, बेरियम का एल्युमिनियम से, बी का एसआई से, सी का पी से, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, तो ये पता चलेगा। अब इन्हें पूछा एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध, एल्युमिनियम का किससे है, देखिए एएल का, एएल का है बी से, तो ये क्या हो जाएगा, बेरिलियम से एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। आपको ये आपको याद रखना पड़ेगा, ग्रुप सेकंड और थर्ड इनके आवर्त में कौन कौन से आपका विकर्ण संबंध बनाते हैं, यही वाले बनाते हैं केवल विकर्ण संबंध, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे रफ कर देता हूँ, ये आप याद कर लेना, ठीक है, सेकंड और थर्ड ग्रुप का इसमें विकर्ण संबंध वाला। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 97 पे क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा सबसे कम क्षारीय है, एक हो गया आपका पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम और बेरिलियम, ये क्या है आपके, ठीक, बेरिलियम का होता है 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, ये है आपके सेकंड ए समूह के तत्व एलिमेंट, और ये कौन सा के आपका पोटेशियम, ये है फर्स्ट ए का के, क्या है पोटेशियम फर्स्ट ए का, ठीक है, इसका 19 होता है परमाणु क्रमांक, तो ये है फर्स्ट ए का एलिमेंट। अब देखिए वो है सेकंड ए का, तो फर्स्ट ए के समूह के तत्व क्या होते हैं, परवल क्षारीय होते हैं, क्योंकि इनकी अंतिम कक्षा में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड ए समूह के तत्व क्षारीय कम होते हैं, इनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो इनने क्या पूछा क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा कम क्षारीय, कम क्षारीय होगा बी, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक देखते हैं ना, कम इसी का है, कितना होता है 4, मैग्नीशियम का क्या होगा आपका, मैग्नीशियम का कितना होता है 12, और कैल्शियम का कितना होगा 20, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। फास्फोरस, ये कैल्शियम, अरे यहाँ क्या होगा, ये सॉरी मैग्नीशियम होगा, पी की जगह एमजी, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12, बेरिलियम का 4, कैल्शियम का कितना होता है आपका 20, तो सेकंड एक कम क्षारीय होते हैं वैसे भी, तो बेरिलियम क्या होगा सबसे कम क्षारीय होगा, ये ध्यान रखना आपको। तो परमाणु क्रमांक से भी देख लेंगे हम आपका, ठीक है। अब कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है दूध के शुद्धिकरण में, पेट्रोल के शुद्धिकरण में, हवा के शुद्धिकरण में, इनमें से कोई नहीं, ये होता है आपका SO2 का यूज़, SO2 तो पूछा ही नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड का पेट्रोल के शुद्धिकरण में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमोनिया गैस होती है, अमोनिया का देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था ऊपर NH3, ये होती है आपका गंधयुक्त गैस, से सूखने में क्या होता है आँख में आंसू आ जाते हैं, ठीक है, और ये कैसी होती है, ये होती है आपका रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता, कलर नहीं होता, तो ऑप्शन में से पैट गए, रंगीन तो होगा नहीं, भारी गैस भी नहीं है, पानी में क्या है अघुलनशील, गलत, पानी में ये क्या होती है घुलनशील होती है, यूरिन जब त्यागते हो आप देखा होगा तुमने उसमें क्या निकलती है NH3, तो ये पानी में क्या होती है घुलनशील, ये ध्यान रखना आपका, ठीक है, भारी गैस है नहीं, क्या है ये रंगीन है, तो अमोनिया गैस होती है रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं होता, क्योंकि अपने यूरिन जब त्यागते हो कलर भी देखा होगा, कोई कलर नहीं होता, हल्का सा येलो इस टाइप का होता है, ठीक है। खुली श्रृंखला का यौगिक का उदाहरण है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, देखो अभी आपको तभी पता चलेगा जब आपको इसके ऑप्शन 4 के 4 का मतलब पता होगा। अब सबसे पहले चलते हैं हम बेंजीन पे, बेंजीन का आपने वो देखा होगा कैसी रिंग बनाती है,
बेंजीन का कुछ ऐसा होता है। ये क्या है आपका, ये आपकी बेंजीन है। ठीक है, अब क्या बनाता हूँ मैं, पायरेडीन का भी सेम होता है, देखो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। यहाँ बीच में बस एन होता है, ये होता है आपका पायरेडीन का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बेंजीन का तो ऐसा हो गया, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला क्या हो गया, पायरेडीन का। अब साइक्लोप्रोपेन का क्या होता है, सेम बेंजीन की तरह होता है, मगर ये खाली सिंपल होता है, ये देखना, ये है पायरेडीन का, सॉरी साइक्लोप्रोपेन का। ठीक है, पायरेडीन का है ये वाला, एन वाला, इसमें एन बना होता है बेंजीन की तरह, बस ये नीचे की तरफ। अब एथेन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से होता है, CH3 CH3, ये क्या है, एथीन। तो इसमें पूछा है खुली श्रृंखला का यौगिक का उदाहरण है, तो आपको पता चल गया होगा क्या है, CH3 CH3, ये तो है खुली श्रृंखला। बाकी की श्रृंखला देख रहे हो आप बंद हो गई यहाँ पे, बेंजीन पायरेडीन और साइक्लोप्रोपेन की, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए किस तरीके से, तभी बता पाओगे आप इसका राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए, एथेन, CH3 CH3 क्या है, सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, तो इसकी श्रृंखला कैसी है, खुली हुई। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इस तरीके के ही रिपीट होते हैं आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, जो 2023 में आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होगा इससे ही रिलेटेड।